आज के इस नए दौर में एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज के एकेडमिक्स में एक्सपीरियंशियल लर्निंग का कितना इंपॉर्टेंस है ये हम देखने वाले हैं। सो लेट स्टार्ट। एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी के इन्वेंशन जिन्होंने किया इज मिस्टर डेविड ए कॉब्स। अमेरिका में बॉर्न डेविड ए कॉब्स का जन्म 1939 में हुआ और इन्होंने सबसे पहले EBLS एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग स्टाइल को इन्वेंशन किया। कॉब्स थ्योरी बताती है ही इज अ फेमस फॉर फ्यू प्रिंसिपल्स, जिसमें सबसे पहला एक्सपीरियंशियल लर्निंग, सेकंड इन्होंने अलग अलग लर्निंग स्टाइल्स भी बनाए जिसके ऊपर काफी स्टडी और रिसर्च हो चुका है। कंस्ट्रक्टिविज्म पर इन्होंने बहुत अच्छी बातें और रिसर्च करके हमारे सामने रखी है। इनके 6 प्रिंसिपल भी वर्ल्ड फेमस है और लर्निंग बाय ट्रांसफॉर्मेशन से भी कोल्ब्स ने बहुत अच्छा प्रिंसिपल वर्ल्ड के सामने रखा है। तो ऑल टुगेदर डेविड कॉब्स इन्होंने अपने रिसर्च के द्वारा दुनिया के सामने एक नए प्रिंसिपल्स को इंट्रोड्यूस किया। लर्निंग इज द प्रोसेस वेयर बाय नॉलेज इज क्रिएटेड थ्रू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सपीरियंस। कोल्ब्स का ये जो थ्योरी है, इन्होंने सबसे पहला आधार ये बनाया कि आप स्कूल कॉलेज में बच्चों को जब आप पढ़ाते हो तो उसका आधार एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप बच्चों को जितने ज्यादा एक्सपीरियंस देंगे बच्चों के दिमाग में वो चीज लॉन्गर लास्टिंग रहती है, और सिर्फ बाय लेक्चर बच्चों को अगर पढ़ाया जाता है तो उसका जो असर है वो बहुत ही शॉर्ट टर्म रहता है। और यही बात अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी अपने थ्योरी में बताई है कि द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज इज एक्सपीरियंस। आप नॉलेज कितना भी गेन करेंगे लेकिन जब तक उसके ऊपर आपका खुद का एक्सपीरियंस नहीं रहता है तब तक वो काउंट नहीं किया जा सकता। Why experiential learning? पहले के एजुकेशन सिस्टम में हमने देखा था कि मेमोरी बेस्ड एजुकेशन होता था, मतलब आप एक चीज बच्चों को पढ़ाओ और बच्चा उस चीज को बार 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 पढ़ के उस चीज को मेमोराइज कर लेता था। लेकिन आज दौर पूरा बदल चुका है, आज बच्चों को नए नए स्किल्स पढ़ाने पड़ते हैं, आज बच्चों को नए नए स्ट्रेटेजीज बतानी पड़ती है और बच्चों के भीतर उनका EQ और IQ डेवलप करने का वक्त आ गया है, क्योंकि सारा एजुकेशन सिस्टम अभी 360 डिग्रीज में चेंज हो चुका है। और ऐसे वक्त में ही एक्सपीरियंशियल लर्निंग का बहुत बड़ा अपना महत्व है। जॉन डीवे एक बहुत बड़े फिलोसोफर और एक साइंटिस्ट होकर के उन्होंने एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर एक बात और ऐड की। उन्होंने क्या कहा, We do not learn from experience. We learn from reflecting on experience. हम जब कोई भी चीज सीखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, करके देखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग, उस पर हमारा एक जो विचार बनता है वो हमारे लाइफ टाइम हमारे साथ में रहता है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज हैंड्स ऑन लर्निंग। इट इज अबाउट व्हाई, हाउ एंड व्हेन द सब्जेक्ट अप्लाइज इन योर लाइफ। बच्चों ने जितने ज्यादा क्वेश्चन आप बच्चों को पूछने के लिए अलाउ करेंगे उतना बच्चों का एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा। तो इसमें व्हाई, हाउ, व्हेन ये जितना ज्यादा रहेगा बच्चों का एक्सपीरियंस उतना बढ़ते जाएगा। इट इज वॉचिंग अ कैटरपिलर ग्रोइंग टू बटरफ्लाई। इट इज अबाउट मेकिंग योर बोट फ्लोट। जितना ज्यादा उसमें बच्चों का इन्वॉल्वमेंट रहेगा उतना ज्यादा एक्सपीरियंस कलेक्ट होगा और उतना सब्जेक्ट कमांड स्टूडेंट्स के भीतर एस्टैब्लिश होगा। Now let's see how we learn. एक स्टूडेंट जब क्लासरूम में जाता है तो कैसे पढ़ता है और कैसे उसकी समझ में आता है। एक रिसर्च से ये बात पता चली है कि 10% by what we read, we learn 20% of what we hear. We learn 30% by what we see. We learn 50% by see and hear. We learn 70% by interaction and discussion. We learn 80% by experience and we learn 95% by teaching to others. तो इस तरह से एक व्यक्ति अपने लाइफ में एक स्टूडेंट सीखते जाता है, लेकिन उसके जो परसेंटेज है वो इस तरह से काउंट किए जा सकते हैं। Tell me and I forget. Teach me and I may remember. Involve me and I learn. आप स्टूडेंट्स को जितना इन्वॉल्व करेंगे स्टूडेंट उतना सीखते जाएगा। अब वो बातें आउटडेटेड हो गई है जहां पर लेक्चर देके बच्चों को पढ़ाया जाता था।
नए एजुकेशन सिस्टम में हमने देखा है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है, और यही बात महात्मा गांधी जी ने भी अपने नई तालीम की शिक्षा में बताई थी। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग का एक अपना महत्व है। मेरा एक प्रयास है कि आज का ये जो नया एजुकेशन सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया गया है, उसके बाद इस नए एजुकेशन सिस्टम में जो अलग अलग दायरे बनाए गए हैं, उसमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था।